नमस्कार। आज सुबह ही सुबह राजनीतिक गलियारों में एक बहुत बड़ी खबर समाजवादी पार्टी कार्यालय से आने लगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक सामने एक होर्डिंग लगाई गई जिसमें लिखा गया कि समाजवादी पार्टी दफ्तर में ओम प्रकाश राजभर का आना मना है। हालांकि इस होर्डिंग को अभी हटा दिया गया है, लेकिन इस होर्डिंग से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना है। हम इस वक्त समाजवादी दफ्तर पर मौजूद हैं। यहाँ पर समाजवादी कुछ नेता हमारे साथ भी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर वो ओम प्रकाश राजभर, जो एक वक्त था कि समाजवादी पार्टी में एक अहम रोल अदा कर रहा था, चुनाव तक समाजवादी पार्टी के साथ थे, साथ चुनाव लड़े, अचानक किसी बात को लेकर वो अपना रास्ता अलग कर लिए, लेकिन अब उनके लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनके लिए अब समाजवादी पार्टी में कोई जगह नहीं है। शुभ नाम आपका भाई साहब? आलोक त्रिपाठी। आलोक जी, ये जानना चाहेंगे कि जो होर्डिंग लगाई गई कि समाजवादी पार्टी दफ्तर में ओम प्रकाश राजभर का आना मना है, इसको आप किस हद तक देखते हैं? क्या इस तरीके की होर्डिंग लगाना सही है? नहीं, समाजवादी पार्टी ने तो पूर्व में ही एक पत्र जारी कर दिया था कि उनको हम लोग स्वतंत्र करते हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक पत्र जारी किया था कि आप स्वतंत्र हैं और आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि गठबंधन धर्म में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। परिवार में जैसे एक तरीका होता है कि मुखिया जो निर्णय लेता है उसको हम लोग मिल बांट करके उस पर काम करते हैं, और जिस तरह ओम प्रकाश राजभर जी के बयान हैं, जिस तरीके की वो छी बातचीत वो करते हैं मीडिया में लाइमलाइट पर रहने के लिए, मुझे लगता है वो एक स्तरहीन राजनीति कर रहे हैं। और आज की डेट में वो अपनी ज़मीन खो भी चुके हैं। गठबंधन की राजनीति में अगर वो दो बार विधायक हो गए तो ये वो अपनी बहुत बड़ी जीत था समझे। एक बार अकेले लड़े और उनको उनकी हैसियत पता चलेगी कि क्या स्थिति है उनकी राजनीति में। आखिर ओम प्रकाश राजभर समाजवादी में रहे हैं, साथ चुनाव लड़े हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी इतनी नाराजगी बढ़ गई? नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी की अपनी खुद की सोच हो सकती है, क्योंकि उनको यह लगा था कि समाजवादी पार्टी में हम लोगों ने जो मेहनत करी थी, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जो जमीन तैयार की थी, उस वक्त तक वो आखिरी वक्त तक इंतजार करते रहे कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो मैं उनकी तरफ जाता हूँ। जब उनको ये माहौल लगने लगा उत्तर प्रदेश में कि सरकार बन रही है, हमारे साथ उन्होंने गठबंधन किया। गठबंधन धर्म के नाते जो भी उनको सीटें दी गई चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने में वो कुल 4 सीटों पर चुनाव जीते, बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत करके आई। दूसरी चीज, जीतने और हारने के बाद जो भी परिणाम आया उस पर उन्होंने जिस तरीके से शीर्ष संसद पर टिप्पणियां करना शुरू करी, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं पर टिप्पणियां करना शुरू करी, उससे ये लगने लगा कि उनको समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की उनको किसी पिछड़े की बात की जरूरत नहीं है। उनको दरअसल अपनी जेब भरनी है, अपने परिवार को मजबूत करना, अपने बेटा बेटी को मजबूत करना है, सिर्फ उस चीज़ों पर वो लगे हुए हैं, बाकी इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। राजनीति में बहुत स्तरहीन राजनीति आज तक मैंने अगर किसी की देखी तो ओम प्रकाश राजभर जी की देखी। 22 वर्ष का मेरा करियर है, इन 22 सालों मैंने इतना स्तरहीन नेता कभी नहीं देखा, जिसका कोई स्तर नहीं है। कभी वो MIM के साथ जाते हैं, कभी किसी के साथ जाते हैं, कभी वो किसी के साथ गठबंधन करने लगते हैं, और दोनों बार उन्होंने गठबंधन करके विधायक जीत पद पर वो आसीन हुए। एक बार मैं चाहता हूँ अगर वो इतने ताकतवर नेता हैं और अपने आप को मानते हैं तो ये समाजवादी पार्टी का चलन नहीं, मेरा व्यक्तिगत एक मानना है कि मेरा व्यक्तिगत चैलेंज है कि ओम प्रकाश राजभर जी को सिंगल चुनाव लड़ना चाहिए, और अगर उनको लग रहा है अभी तो आज इस्तीफा दे और कल चुनाव लड़े, उनको पता चल जाएगा कि उनकी जमीन पर कितनी हैसियत है। आपका शुभ नाम क्या है भाई? ब्रजेश कुमार सिंह, बैचलर। ब्रजेश सिंह, आप ये बताइए कि जिस होर्डिंग की बात मैं कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के बाहर होर्डिंग लगाई गई, आना मना कर दिया गया, क्या इस तरीके की राजनीति अब रह गई? देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर होर्डिंग लगी है, किसने लगाया है, किसी से हमारे विंग से संबंधित है, हमारी पार्टी का नेता था या नहीं, अभी आपको उस पर भी सोचना है। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी निर्णय लिया है लेगा, उसका समाजवादी पार्टी सम्मान करती है। और ओम प्रकाश राजभर की, जिसे अभी आलोक त्रिपाठी जी ने कहा कि उनकी स्तरहीन राजनीति है, वो अपने बेटे को स्थापित करने के लिए भाजपा की तरफ भी गए, वहाँ नहीं हो पाया, उसको MLC बनाना चाहते थे, उसको मंत्री बनाना चाहते थे। समाजवादी पार्टी में भी अरविंद राजभर को स्थापित करने के प्रयास किया गया, अखिलेश जी ने, उन्होंने विधान परिषद का टिकट मांगा, अखिलेश ने मना कर दिया कि परिवार में आप विधायक हैं, आप मंत्री थे, तो आपके ही परिवार को स्थापित न करके अन्य लोगों को भी बढ़ावा दिया जाए, उससे वो नाराज हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करने लगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, देखिए, हमारे वो सहयोगी थे, उनकी मर्जी, वो जहाँ जाना चाहे जाए,
हम उनके ऊपर अपनी व्यक्तिगत राय नहीं थोप सकते। हाँ, अगर हमारी उनकी विचारधारा मिल खाती तो हमारे साथ रहते। तो जैसा कि आपने सुना कि ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं और हम दफ्तर के बाहर जब इनसे बात किए तो इन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा समाजवादी से नहीं मिलती है, वो अपना रास्ता स्वयं अलग कर लिए हैं। और रही बात पोस्टर की, तो पोस्टर पर भी अभी भी सवालिया निशान लगा है कि समाजवादी पार्टी के बाहर ये पोस्टर कौन लगाया है, आखिर वो समाजवादी पार्टी का नेता था कि नहीं था, इस पर भी अभी विचार करना होगा।